हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के मेंस एग्जामिनेशन 2016 के एसए पेपर के बारे में। तो इसमें आपका ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गया जो कि एसए पेपर के लिए होता है। हम लोग मेनली क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। जैसा कि इसमें दो सेक्शन रहता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका चार क्वेश्चन है जिसमें से एक करना है, और सेक्शन बी में आपका चार क्वेश्चन है जिसमें से एक करना है। तो इन दोनों सेक्शन में से आपको इच ऐसे को आपको 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में कि इफ़ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज इनडेंजर्ड, ठीक है। यहाँ इनजेंडर्ड मीन्स यहाँ आपका जेंडर बेसिस के बारे में बताया गया, ठीक है, जेंडर, ठीक है। इट इज़ इनडेंजर्ड, अगर डेवलपमेंट इनजेंडर्ड नहीं हुआ तो ये इनडेंजर्ड हो जाएगा। मतलब स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। मतलब डेवलपमेंट में आपका मतलब मेल फीमेल सबका मतलब योगदान रहना चाहिए, नहीं तो वो आपका इनडेंजर्ड कहा गया। आप इसको किस तरह सोचते हैं, अपने वर्ड में आपको इसमें इसे लिखना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर अगला आता है क्वेश्चन में, क्या है कि नीड ब्रिंग ग्रीड, इफ ग्रीड इंक्रीजेज इट स्पॉल्स ब्रीड। मीन्स आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का अधिक नस्लें बर्बाद करता है। मतलब ये आपका नीड ब्रिंग्स ग्रीड, मतलब जो जरूरत और लालच, यहाँ दो चीज़ के बारे में रिलेशन के बारे में बताया गया है कि जरूरत ही आपको क्या करता है, लाता है लालचपन को, और अगर लालचपन बढ़ जाता है तो वो आपका ब्रीड को ही आपका तबाह कर देता है, ठीक है। तो इस पर आपको अपना राय देना है, ठीक है। इसको अपने वर्ड में आंसर लिखना है, आंसर मतलब ऐसे लिखना है इस पर। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर अगला आता है वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल इंडिया। वाटर डिस्प्यूट स्टेट्स के बारे में लिखना है, ये आपका पॉलिटिक के बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको टोटली भारत के राज्यों के बीच जल विवाद के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। थोड़ा मतलब 1000 वर्ड्स में आपको एग्जांपल देना होगा, और कहाँ कहाँ वाटर डिस्प्यूट है, इसको कौन कौन मेंटेन करता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका इनोवेशन इज़ द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। मतलब नवप्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है, ठीक है। इस पर भी आपको इसे लिखना है। मतलब ये चार ऑप्शन है, चार आपके पास ऑप्शन दिया गया है, किसी एक पर आपको इसे इसमें लिखना है 1000 to 1200 वर्ड्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सब है। फिर सेक्शन बी है, इसमें भी आपका चार है जिसमें से आपको एक पे ऐसे लिखना है। पहला है आपका क्या, यानी कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म मिथ और रियलिटी। ये भी आपका पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सहकारी संवाद मिथक अथवा यथार्थ, आप इसको किस तरह समझते हैं, ठीक है। आपका इसमें राय क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर साइबर स्पेस एंड इंटरनेट के बारे में लिखना है। इसमें ब्लेसिंग और कर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। साइबर स्पेस और इंटरनेट, ये आपका क्या योगदान, मतलब ये आपका श्राप है या फिर आपका एक ब्लेसिंग है, आप इसको किस तरह समझते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये दोनों है, दोनों ही है कुछ कुछ प्रतिशत, तो आप उसको अपने वर्ड में आंसर लिखिएगा। फिर अगला आता है आपका क्वेश्चन क्या है, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया एन एनोमली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि, आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम। नियर जॉबलेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में आपको इसमें इसे लिखना है। क्या आपको दिख रहा है, आपको क्या लगता है नियर जॉबलेस ग्रोथ में। अगला आता है डिजिटल इकोनॉमी, ए लेवलर और ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था एक समताकारी आर्थिक असमता का स्रोत, ठीक है। इसमें चार में से आपको एक ऐसे लिखना है।
ठीक है, 125 मार्क्स का ही चीज है, जैसे कि रहता है दो ऐसे लिखना है, सेक्शन वन से एक, सेक्शन बी से एक। तो देखिए हम लोग अगर इसका डिफिकल्टी लेवल की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि पहला देखते हैं, इफ डेवलपमेंट इज नॉट इन डेंजर इट इज इन डेंजर्ड, इन जेंडर्ड है और ये इन डेंजर्ड, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका नीड ब्रिंग्स ग्रेट, इफ ग्रेट इंक्रीजेज इट स्पॉइल्स ग्रेट, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है आपका वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड फेडरल इंडिया, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया एन एनोमली एंड एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर डिजिटल इकोनॉमी लेवलर और सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में यही था आपका 2016 के पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2017 के इसी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।